हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में पहली बार किसी ग्राम पंचायत और समूह ग्रामवासियों ने तुगल की पंचायती फरमान जारी करते हुए अपने ही गांव में लव मैरिज करवाने वाले लड़के लड़कियों और उनका साथ देने वालों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए उन्हें गांव में ना दाखिल होने की कड़ी चेतावनी भी दे दी है। वहीं गाँव वालों ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार से अपील की है कि अगर लड़का लड़की हो तो गुरुद्वारों में उनकी शादी करवाई जाए। वहीं सरकार से कानून में भी बदलाव की बात कही, जबकि सरकारी अधिकारी का कहना है कि प्रशासन कानून के अनुसार ही अपना काम करेगा। जिला गुरदासपुर के गांव दकोहा में उसी गांव के आमने सामने रहने वाले परिवारों के लड़के लड़कियों ने लव मैरिज करवाने का चलन इतना बढ़ गया कि गांव वासियों और पंचायत को एक साथ खड़े होकर एक ही आवाज में सख्त फैसला लेते हुए हरियाणा की तर्ज पर तुगल की पंचायती फरमान जारी करना पड़ा। गांव वालों के अनुसार उनके गांव में अभी तक करीब 10 से 15 लड़के लड़कियां अपने ही पड़ोस में ही रहने वालों के साथ घर से भागकर शादी करवा चुके हैं, जिस कारण गांववासी इन घटनाओं से बेहद दुखी हैं। पंचायत और गांव वालों के श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से अपील है कि घर से भागकर गुरुद्वारा में शादी करवाने वालों की शादी ना करवाने के लिए सभी गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को हुक्म जारी किए जाएं। कम से कम एक गांव के बच्चों की आपस में शादी ना करवाएं। इस तरह से गांव में आपसी मतभेद उभर रहे हैं और किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। चंडीगढ़ जाके आख दिंदे जी साडी लव मैरिज होई आ ते हफ्ते पिछे आण के ते डीजे भी ला लैंदे आ घरां दे विच। पर असि यह सहु खा ली आ सारे नगर ने भी अही एह जे गलत इंसान नू पिंड दे विच नहीं रहन देना ते ना रहन दवांगे। ते जेड़े ये नहीं भी कोई जिमीदारा ना भी एह हालात हो रही आ हरिजना ना माड़े चंगे की कोई इज्जत का सवाल नहीं रह गया। ते असि सारा पिंड ही एक मुठ हो गए हाँ भी अही इन्हां नू पिंड दे विचों रहन भी नहीं दवांगे ते बाकी इन्हां दा अही साथ भी ना दवांगे। जेड़ा इन्हां दा साथ दऊगा उहदे नाल भी अही एह जी हालात माड़ी तो माड़ी करांगे जिहड़ी जिन्नी साडे कोल होऊगी। ये जे असीं कोई पिंड दी साडी वादी तो बहुत लंबी आ ते वोट भी साडी 3500 आ ते जिहदे विच असीं कम से कम हजारां बंदियां दे सैन करके अंगूठे ला के असीं इह सारी सहुं ही खा चुके आ कि असीं इहो जिहा कम पिंड दे विच नहीं होण देणा। ते जे मतलब कोई गांह वी कोशिश करूगा इहो जिहा कम करन दी ते असीं हर तरीके दे नाल ही उहदे नाल निपटांगे। पिंड ने पंचायत ने सारे नगर ने ये प्रोग्राम बनाया इन्हों का जो घड़ा पानी बंद करो इन्हों पिंड दे विचों बाहर चल जाना। ये प्रेम भावना से रहना हों ही बहुत ही वड्डियां दुश्मनियां ते बहुत ही घटना जिहड़ी माड़ी आ ते इस करके हुण श्रोमणी कमेटी नूं कॉल तक दे जथेदार साहब नूं इहो ही बेनती करन भी जा रहे हैं कि इहो जिहड़ियां घटनावां गुरद्वारे जिहड़े आ फेरे जिहड़े आ इक पिंड दे नहीं होने चाहिए। शनाख्ती कार्ड आधार कार्ड वेख के इन्हां नूं फेर विआह करना चाहिए जी। ये तो हाड़ी बहुत मिट्टी इज्जत खराब कर रही है जी। सर हाड़ी ना जी हाड़ी बेटी भी चली गई है जी। उस तो बाद फिर साढ़े चाचा जी उन्होंने भी बेटी चली गई है इको घर ही दोवें चली गई जी। अं तो यो कहना चाहते हैं कि जे इन्हों जमी पाली का वा तो थोड़ा भी एको पिंड विह करा लिया कारण हाड़ी तो इन्हों मिट्टी पलीर करती है जी। ये अपने आप जी इदा करे तो माँ प्यो फिर इन्हों कि छोटे होंद इन्हों जमी पाली का वा व्याई का वा फिर पढ़ाई का वा लिखाई का वा ते तो बहुत गलत काम कर रही है। परमजीत कौर ने बताया कि उसकी बेटी अपनी बहन के गांव जाने के लिए घर से गई लेकिन वहां नहीं पहुंची। पता चला कि पड़ोसियों का लड़का उसे कहीं ले गया। बाद में पता चला कि उन दोनों ने गुरुद्वारा में शादी कर ली है। उसके बाद से ना तो लड़की ही गांव में आई और ना ही उसके परिवार वाले आए। वहीं गाँव की कुछ और महिलाओं ने भी अपनी यही आप बीती सुनाई, जिनकी बेटियों ने घर से भाग कर गाँव के ही रहने वाले लड़कों से लव मैरिज करवा ली। वहीं इस गाँव का एक पीड़ित पिता आप बीती सुना रहा है कि पहले उसकी अपनी बेटी और फिर उसके भाई की बेटी ने गांव के एक ही परिवार के दो लड़कों से शादी कर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उनका कहना है कि ऐसी बेटियों को कोख में ही मार देना चाहिए। वहीं एसडीएम पृथ्वी सिंह ने कहा कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पहले थोड़ा देर पता लगा कि दाई ने व्याह मुंडे ने भी मेरा करवाया। मैं उसके घर जाकर हाथ जोड़े दे गाड़ी व्याह का मना करी मेरी बेटी इत बनी रहन दे पर उन्हें जनानी ने मेरी अक नहीं सुनी। मैं मुंडा वेखन गई लड़की व्याह के मेरी लड़की की बड़ी खुश है कि मम्मी हाँ मेरा रिश्ता कर इन्हें मुंह तो हाथ फेर के जनानी ने कहा कि आ मैं काम कर नहीं देना मेरे बेटे ने धमकी दे के गई पहले मेरा थां वेख जे मेरा मुंडा मर गया मैं तड़े चो भरना। कुड़ी ने भी यो डरावा दिता मर के मैं कुड़ी डरती ना सरपंच जी ने मैंने कहा भी कुड़ी लांबे भेज दे चार दिन मैं अपनी बेटी को वजी को भेज गया जी। इन्हें उतों औखा तो जाकर लिया निकली सानू सामी पता लगा जी मेरे घर गई तो ताले लगे ये 9 बजे घरों गई कुड़ी 12:30 बजे खड़ी। मैं कली कुछ नहीं कर सकती मैं इन्नी गरीब बनी अपनी कमाई करके खानी मेरे पिंड के भैन भरावान ने मेरा सारे ने साथ दिता तू जिदा कहेंगे उदा कहेंगे।
SDM बटाला पृथ्वी सिंह ने बताया कि किसी भी पंचायत के बाद किसी भी आदमी का सामाजिक बहिष्कार करने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुसार कानून अपना काम करेगा और जिन गाँव के लड़के लड़कियों ने लव मैरिज की है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। वहीं माँ बाप पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि समाज के भी कुछ दायरे हैं जिनकी जानकारी माँ बाप बच्चों को दे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। साथ ही लोगों को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਠੀਕ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਵੇਟਿੰਗ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। गुरदासपुर से जाट टीवी न्यूज के लिए रशपाल सिंह की रिपोर्ट।